आपका स्वागत है। मेरा नाम है राम राज और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि भविष्य में आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1919 के बाद बहुत सारे बैंक स्टार्ट होने लगे थे जो कि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करते थे। ये बैंक उस समय अपने अपने हिसाब से नियम बनाते थे और लोगों पर थोपा करते थे जिससे कस्टमर्स को बहुत सारा नुकसान हुआ करता था। इसको मद्देनज़र रखते हुए 1920 में ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम रखा गया हिल्टन यंग कमीशन और इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। 1926 में इस रॉयल कमीशन ने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट तैयार करके पेश की। इस रिपोर्ट को देखते हुए 1934 में RBI एक्ट पास हुआ, यानी कि एक ऐसा कानून पास हुआ जिसमें RBI के रिलेटेड सारी जानकारी रखी गई कि RBI कौन कौन से कार्य करेगा और कौन कौन से कार्य नहीं करेगा। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को RBI की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसकी इनिशियल कैपिटल जो थी स्टार्ट करने के लिए वो थी 5 करोड़ रुपए और ये कैपिटल पूरी की पूरी प्राइवेट शेयर होल्डर ने लगाई थी। उस समय ये बैंक पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करता था। हेडक्वार्टर, RBI का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में हुआ करता था। इसके बाद 1937 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में और तब से RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। नेशनलाइजेशन, RBI की नेशनलाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद, यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1 जनवरी 1949 को RBI की नेशनलाइजेशन हुई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI, फंक्शंस ऑफ RBI एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ RBI।